शपथ लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज नए संविधान से परिचय का वक्त है, नए उत्साह नई उमंग के साथ काम करेंगे। जनता ने हमें काम करने का अवसर दिया है, जनता की आशा आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। जनता ने सबका साथ सबका विश्वास में बहुत आत्मविश्वास भरा। ऑपोजिशन नंबरों की चिंता छोड़ दे, हमारे लिए विपक्ष की हर बात और हर भावना मूल्यवान है। आने वाले 5 सालों में इस सदन की गरिमा को और बढ़ाएंगे। पक्ष विपक्ष से ज्यादा निष्पक्ष भाव जरूरी है। भ्रष्टाचारियों और देश का धन बाहर ले जाकर बैंकों में जमा करने वालों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। काले धन के खिलाफ कार्रवाई की दिशा में स्विस बैंक खाताधारकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसमें 50 भारतीय शामिल हैं। स्विस सरकार के अधिकारियों ने इन खातों की जानकारी भारत को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की है। स्विस सरकार से हुए समझौते के मुताबिक वो भारत को इस बात की जानकारी देगा कि उसके यहाँ किसका कितना पैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में साफ कर दिया है कि अब सरकारी योजनाएं परंपरागत तौर तरीकों से पूरी नहीं होंगी, बल्कि प्राइवेट कंपनीज की तरह मैनेजमेंट फॉर्मूले लागू होंगे। इसके लिए अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और चीन जैसे देशों के विकास अनुभव को लेकर आगे बढ़ाया जाएगा। सरकारी योजनाओं में प्रोजेक्ट का टेंडर जारी होने से लेकर उसके पूरा होने तक इन सभी प्रक्रियाओं में प्राइवेट कंपनियों के तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। रेलवे, निर्माण, आईटी, सड़क परिवहन, पावर, कोल सेक्शन, हेल्थ, शहरी विकास, कम्युनिकेशन, माइंस, सिविल एविएशन, डिफेंस, हैवी इंडस्ट्रीज में रियल टाइम कम्युनिकेशन, रियल टाइम डाटा मैनेजमेंट जैसी बातों पर पालन कर किसी भी काम को तय समय से पहले और निर्धारित राशि से कम खर्च में पूरा किया जाएगा। नीति आयोग की 5वीं बैठक में ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट सभी राज्यों को सौंपी गई है। 17वीं लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में सोनिया गांधी के चुने जाने के बाद अब लोकसभा में पार्टी नेता पद को लेकर कयासबाजी तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार 3 नेताओं का नाम इस पद के लिए चर्चा में है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कांग्रेस के पास जरूरी आंकड़ा न होने के कारण उसे ये सीट नहीं मिलेगी, लेकिन पार्टी का लोकसभा में नेता बनने को लेकर जो नाम चर्चा में है उनमें अधीर रंजन चौधरी, मनीष तिवारी और शशि थरूर शामिल है। ये तीनों कुशल वक्ता और अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में अपनी बात रख सकते हैं। विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैनचेस्टर में रविवार को खेले गए अहम मुकाबले में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मैच से बाहर हो गए। टीम इंडिया की पाकिस्तान पर जीत के बाद कप्तान विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चोट के चलते भुवनेश्वर कुमार अगले 2 से 3 मैच नहीं खेल पाएंगे। भुवनेश्वर की जगह तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अगले मैचों के लिए गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। 7वीं लोकसभा का आज शुभारंभ हो चुका है। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वो मध्य प्रदेश से सांसद हैं और दलित समाज से आते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा सांसद के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना के विरोध में देश भर के डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र चिकित्सक सुरक्षा कानून लाने की मांग करते हुए सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे तक हड़ताल का ऐलान किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले देश भर के करीब 3 लाख से ज्यादा डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। इनके साथ सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट और आयुष के डॉक्टर भी हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में करीब 10 लाख डॉक्टर ओपीडी में नहीं दिखेंगे। इससे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिहार में दिमागी बुखार और लू से हो रही मौतों के दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।
वहीं पार्टी बैठक में फैसला लिया गया है कि झारखंड विधानसभा चुनाव वो अकेले ही लड़ेगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार यानी चमकी बुखार से अब तक 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं केंद्र मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के सामने ही 3 बच्चों ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन दिमागी बुखार से निपटने और हालात का जायजा लेने बिहार पहुंचे थे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिमागी बुखार से मरने वाले बच्चों के परिजनों को 4,40,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 7वीं बार हराने के बाद देश भर में उत्साह का माहौल है। हर कोई टीम इंडिया को बधाई दे रहा है और अपने अपने तरीके से जीत का जश्न मना रहा है। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया द्वारा पाकिस्तान को 99 रनों की जीत पर बधाइयों का तांता लग गया है। इसी कड़ी में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, पाकिस्तान पर टीम इंडिया की एक और स्ट्राइक और परिणाम वही। पूरी टीम इंडिया को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई। इस बेहतरीन जीत के लिए हर भारतीय को गर्व हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के सभी सरपंचों गांव प्रधानों को निजी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी का मजमून है कि वर्षा ऋतु का आगमन होने वाला है। हम भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने देश को पर्याप्त वर्षा जल प्रदान किया है। ईश्वर की इस भेंट का आदर करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए बारिश का मौसम प्रारंभ होते ही हमें ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि बारिश के पानी का हम ज्यादा से ज्यादा संचयन कर सके। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक ने उग्रवाद वामपंथी प्रभावित जिलों को मिल रहे स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट की तर्ज पर जम्मू कश्मीर को भी मदद देने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि इससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काफी मदद मिलेगी। नीति आयोग की बैठक में उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों का समान विकास सरकार की प्राथमिकता है। वहीं उन्होंने कहा कि 2021 तक पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में 100% पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। जम्मू कश्मीर देश का पहला राज्य बन जाएगा जिसमें 100% पाइप के जरिए लोगों के घरों में पानी मिलेगा। अमेरिका और चीन के बीच चल रहा व्यापार युद्ध भारत के लिए निर्यात बढ़ाने का एक बड़ा अवसर है। वाणिज्य मंत्रालय ने एक अध्ययन में कहा है कि इस मौके का लाभ उठाकर भारत दोनों देशों को केमिकल और ग्रेनाइट सहित 350 उत्पादों का निर्यात कर सकता है। मंत्रालय ने अमेरिका और चीन के बीच इन उत्पादों की पहचान की है जिसका निर्यात भारत इन दोनों देशों को कर सकता है।